अभी हम लोग सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर आर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 - x - n इज, ये था अपना n+r-1 c n-1। अब हम इसमें एक थ्योरी लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल क्वाइंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी पर्सन्स सो दैट ईच person receives any number of items each n+p-1 c p-1। इस सेम थ्योरी को हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x1+x2+xp = n, वेयर xi > 0। तो ये हमारा नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का भी मेथड कहलाता है। एक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, 30 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 5 persons। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? यहाँ पे 30 मैंगोज है, दैट इज़ n की वैल्यू 30 हो गई, और 5 persons से मतलब p का वैल्यू 5 हो गया। तो ये होना चाहिए 30+5-1 c 5-1, दैट इज 34 c 4। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन ए कंप्लीट होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री m इन n वेरिएबल्स इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m आइडेंटिकल क्वाइंस एमंग n बेगर्स, दैट इज m+n-1 c n-1। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हुए थे, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन एक्सपेंशंस ऑफ। तो यहाँ पर पावर 10 है, दैट इज हमारा m का वैल्यू 10 होगा और अंदर में 3 टर्म है, सो n बेगर्स का वैल्यू 3 होगा। तो ये हो जाना चाहिए अपना 10+3-1 c 3-1, दैट इज 12 c 2। ठीक है, अपना नेक्स्ट थ्योरी है नंबर ऑफ वेज इन विच इन आइडेंटिकल आइटम्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी पर्सन सच दैट ईच ऑफ देम रिसीव एटलीस्ट वन आइटम इज। पिछले वाले में हमारा क्या था, एनी नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पर एटलीस्ट वन आइटम्स रहेगा, तो n-1 c p-1 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स टू आर एस जी सो दैट ईच रिसीव एटलीस्ट वन कंप्यूटर, ईच रिसीव एटलीस्ट वन कंप्यूटर। तो ये है तो यही वाला केस, एटलीस्ट वन, तो आर एस जी 3 लोग हो गए और 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स को हमें करना है।
तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 7-1 C 3-1, दैट इज ये हो जाएगा अपना 6 C 2। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x+y+z = 102 102, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर 102 आइटम्स को तीन लोगों में बांटना है, सारे चूंकि नेचुरल नंबर है सो इनके पास कम से कम एक जरूर जाना चाहिए, सो ये एटलीस्ट वन का केस है। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 102-1C 3 है तो 3-1, ये हो गया 101C 2। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x+y+z = -12। ध्यान दो, यहाँ निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस है और यहाँ टोटल भी माइनस है। तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे लेट x=-x1, y = -x2, and z = -x3। तो अब हमारे पास आ गया -x1-x2-x3 = -12, और माइनस कॉमन लेने पे ये हमारे पास आ जाएगा x1+x2+x3 = 12। निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए था, तो निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन -1-2 ये सब होता है। सो जब हम सिर्फ निगेशंस किए हैं तो यहाँ पर xi जो है x1, x2, x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। सो ये हमारा एटलीस्ट 1 का केस है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 12-1 C 3-1, तो ये कितना हो गया 11 C 2, 11 × 10/2, ये हमारे पास कितना हो गया 55। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन हैज़ टू बाई 25 मैंगोज इन 4 डिफरेंट वेराइटीज, बाइंग एट लीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी, हर वेराइटी का कम से कम 4 को से ख़रीदना है, 4 वेराइटीज है टोटल 25 है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही प्लान हिज परचेजेज इफ मैंगोज ऑफ ईच वेराइटी आर आइडेंटिकल एंड अवेलेबल इन अबंडेंस। आइडेंटिकल का केस है मतलब इसी प्रोसेस से बनेंगे, अवेलेबल इन अबंडेंस मतलब 25 से ज़्यादा कितना है ये सब का कोई बात नहीं है, अधिक मात्रा में आप दे। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। 4 डिफरेंट वेराइटीज़ है तो इनको लेते हैं x+y+z+w और टोटल हो गए 25। कम से कम 4 हमें लेने हैं तो हम कहेंगे x, y, z, w, ये टू ऑल मिनिमम हम 4 लेंगे। तो हम अब लेट करते हैं, लेट x को 4+x1, y हमारा 4+x2, z हमारा 4+x3 एंड w भी हमारा 4+x4 होगा। तो इस तरह से हमारे पास इनका एडिशन 4, 8, 12, 16 16+x1+x2+x3+x4 ये है 25। ध्यान रहे ये मिनिमम 4 था सो ये मिनिमम 0 होगा, सो हमारा जो xi है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास केस आ गया। पच्चीस में से 16 गया 9। तो ये कौन सा केस है, एटलीस्ट 1 वाला या एनी वाला? यहाँ देख क्या है 0, मतलब ये एनी वाला केस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये है 4 ठो, तो 9+4-1 C 4-1 12 C 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ लेस देन इक्वल टू का है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटीज, नॉन निगेटिव का मतलब ये 0 या उसके आगे है। तो लेस देन इज इक्वल टू वाले क्वेश्चंस में हम लोग को लेट करके क्वेश्चन को बनाना होता है, लेट w सच दैट w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ले के क्या करेंगे, ये इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वल टू में बदल जाएगा, और इसमें ये जितने भी है वेरिएबल्स
कि ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30। एनी वाला केस है तो 5, ये हो गया 34C4। ठीक है, देखिए ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 15 से ये ज़्यादा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इज इक्वल टू 20 है। पिछले क्वेश्चंस में हमारा लेस देन इक्वल टू था, इस बार ग्रेटर देन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, इसका मतलब ये जो x1 x2 x3 है ये कम से कम एक हो सकता है, एटलीस्ट वन। तो यहाँ पर पहले लेट करके उसे हटाएंगे, xi को 1 प्लस yi करेंगे, ताकि अब ये yi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाए। तो अपना पास बना क्या, इनको लिखेंगे तो 1 प्लस y1, 1 प्लस y2, 1 प्लस y3। तो 1, 1, 1, 3 हो गया, 3 को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ये 17 हो गया। इसे हम दो पार्ट में करेंगे ब्रेक, एक y1 प्लस y2 प्लस y3, ध्यान दें yi जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 17 एक है, और इसमें हम क्या करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 12 से ज़्यादा है, तो हम 12 के बराबर या कम वाला घटा देते हैं। तो ये क्या हो गया 0 to 17 में, 0 to 12 अगर हम हटा देते हैं तो ये 12 to 17 हो गया, 12 से ज़्यादा। तो अब हमारा इसका क्या केस था, हम एक वेरिएबल ऐड करते थे इसमें, और ये इक्वल टू हो जाता था। इसमें y4 जो हम लोग लेते थे वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सारे yi हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। ऐसा ही केस हम इसमें ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 है, ये 4 जो है उसमें 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, और यहाँ पर हो गया 6 ठीक है। तो ये टोटल जो है वो 685 आ रहा है, ठीक है।